शिमला में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के बीच हुई बैठक। मुलाकात में धूमल ने उठाया अभद्र टिप्पणी करने का मामला। धूमल ने कहा, मेरे खिलाफ विजिलेंस जांच के बारे में भी हुई बात। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का बयान, अशोक सिंघल का सपना पूरा करना ही होगा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि। बोले, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था अशोक सिंघल का सपना। आमिर खान के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दी तीखी प्रतिक्रिया। पूछा, सिखों के कत्लेआम और कश्मीरी पंडितों पर कलाकारों को क्यों नहीं आई हमदर्दी। अनुराग ठाकुर ने आमिर खान के असहिष्णुता के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप, तो बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को भी लिया आड़े हाथों। बोले, आईसिस की आलोचना क्यों नहीं करते आमिर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को नाहन में करवाया गया अस्पताल में भर्ती। रेणुका मेले के समापन समारोह में हिस्सा लेने गए थे नाहन। हिमाचल में हर साल होते हैं करीब 3000 सड़क हादसे। साल 2012 से 2015 तक सड़क हादसों में गई करीब 4000 लोगों की जान। पुलिस ने लोगों से की रफ्तार पर काबू रखने की अपील। मनाली में ट्रैफिक सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। शहर के चप्पे चप्पे पर लगाए गए 36 सीसीटीवी। अनाधिकृत पार्किंग और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की लेंगे खबर, तो शहर को सुरक्षित रखने में भी निभाएंगे अहम भूमिका। देश भर में स्वच्छता अभियान और शौचालय निर्माण को लेकर चलाई जा रही बड़ी बड़ी योजनाओं की खुली पोल। नालागढ़ उपमंडल की पंचायत माजरा के राजकीय माध्यमिक स्कूल में आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं छात्र। शौचालय ना होने के पीछे स्कूल प्रबंधन रो रहा है जमीन ना होने का रोना, तो प्रशासन कर रहा है जांच की बात। हिमाचल प्रदेश में समय से पहले आई ठंड से लोग परेशान, लेकिन बागवानों के खिले चेहरे। मौसम विभाग की इसी तरह ठंड पड़ने की भविष्यवाणी से सेब की बंपर फसल होने की उम्मीद। देश के साथ साथ हिमाचल में भी गुरु पर्व का उल्लास। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगरों का आयोजन। गुरुद्वारों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी शिमला में हुए धार्मिक आयोजन में शामिल।